चैनल, दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एमडी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी डेट शीट जो है आपकी 20th अगस्त को साइट पे डाल दी है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स की डेट शीट अब तक नहीं आई थी, तो एमडी ने क्या किया है, काफ़ी सारी डेट शीट कोर्सेज की डाल दी है। तो प्लीज़ आप साइट पे जाइए और अपनी डेट शीट को डाउनलोड कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने थ्योरी डेट शीट ऑफ LLM सेकेंड सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है, रेगुलर एंड रीअपेयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इन सब के एग्ज़ाम्स जो हैं आपके वो 1st सितंबर से स्टार्ट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, LLM के स्टार्ट हैं 1st सितंबर से। इनका जो डेट शीट का इनका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो है 2 to 5। जैसे आप देख रहे हैं, पैटर्न वही है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा अगर आपने ऑफलाइन चूज़ किया है। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो आपको 1 आवर एडिशनल मिलेगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव रहेगा, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको ठीक लगता है आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। सभी बच्चों के लिए एक ही पैटर्न यूज़ किया जा रहा है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन चूज़ करने हैं अपनी चॉइस के, जो आपको आते हैं इक्वल मार्क्स के, और वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 1st सितंबर से LLM सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की जो है वो डेट शीट आ चुकी है, 1st, 3rd, 6th, 8th, 10th एंड 13th। तो 13th को आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारी डेट शीट आ चुकी है, MMED की डेट शीट भी आ चुकी है जैसे आप देख रहे हो। टाइमिंग और पैटर्न सबके लिए सेम रखा है यूनिवर्सिटी ने। तो जो MMED सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर रेगुलर एंड रीअपियर, उनके भी 1st सितंबर से स्टार्ट है। फर्स्ट आपका रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स का है, फिर 3 को है आपका करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट का, 6 को आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का है, देन 8 को जो भी आपके ओपन इलेक्टिव पेपर्स हैं उसका है। ठीक है, सेपरेट डेट शीट अवेलेबल की जाएगी इसके लिए आपको, और उसके बाद 10 को भी इसमें लिखा हुआ है, सेपरेट डेट शीट इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देन 13 को आपका है असिस्टिव डिवाइसेस का। ठीक है, तो ये MMED के स्टूडेंट्स के लिए होगी। देन सेकेंड आपकी वो भी MMED के लिए ही है, MMED सेकेंड सेमेस्टर रेगुलर रीअपियर टाइम ऑफ एग्जाम। ठीक है, सो तो दूसरे बच्चे हैं MMED के, उनके लिए डेट शीट निकाली है रेगुलर रीअपियर 2 ईयर कोर्सेज CBCS एंड नॉन CBCS स्कीम के लिए। तो इनके भी 1st सितंबर से पेपर स्टार्ट है, एंड लास्ट इनका भी 13 सितंबर को है। तो साइट पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी डेट शीट देखने को मिल जाएगी। जैसे एक सेकेंड पे है आपकी थ्योरी डेट शीट ऑफ MLISC. सेकेंड सेमेस्टर की रेगुलर रीअपियर की, 3rd में आपकी है MR की भी जो है आपकी डेट शीट आ चुकी है, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो जो MR के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर का है। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको गिवन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, वही सेम पैटर्न है जैसे सब बच्चों को मिल रहा है। उसके बाद इनके एग्जाम भी 1st सितंबर से स्टार्ट हैं, लास्ट इनका है 10 सितंबर को। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी डेट शीट्स हैं, आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। उसके बाद 5th नंबर पे आपको MMED की हमने डिस्कस की, MMED सेकेंड सेमेस्टर की है रेगुलर एंड रीअपियर कोर्सेज की। 6th नंबर पे आपकी है थ्योरी डेट शीट ऑफ MMED स्पेशल एजुकेशन रेगुलर रीअपियर 2 ईयर न्यू स्कीम September 2021, ये डेट शीट भी उन्होंने निकाली है। नेक्स्ट आपकी निकली, उन्होंने डाली है साइट पे थ्योरी डेट शीट ऑफ ऑल 5x6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑनर सेकेंड सेमेस्टर फुल रीअपियर इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश इन 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। तो इन स्टूडेंट्स के भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके मोस्टली सबके सितंबर्स में स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इन सब के एग्ज़ाम भी मोड सेम है, पैटर्न सेम है, सेंटर आपको रोल नंबर स्लिप पे मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेकेंड सेम का जो भी है वो टाइम गिवन है आपको 2nd सितंबर से है, लास्ट 11th को। देन MCOM ऑनर्स का सेकेंड सेम का है, MCOM ऑनर्स के भी सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट है। नेक्स्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स का है, इनका भी सेकेंड सेम से स्टार्ट है। और लास्ट आपका कंटिन्यू करेंगे पेजेस तो MSc मैथ्स सेकेंड सेमेस्टर की डेट शीट भी आ चुकी है, MFA ऑनर्स सेकेंड सेम की भी डेट शीट आ चुकी है, MA इंग्लिश की भी आ चुकी है, एंड MA इंग्लिश ऑनर्स 8th सेमेस्टर की। तो काफ़ी सारी डेट शीट्स आपको साइट पे देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज़ जल्दी से साइट पे जाइए। जिन्होंने अभी तक अपनी डेट शीट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ जाके अपनी डेट शीट को डाउनलोड कीजिए, और भी बहुत सारी डेट शीट्स आपको मिल जाएंगी। देखो जैसे और स्क्रीन आप नीचे जाएंगे तो थ्योरी डेट शीट ऑफ मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की भी आ चुकी है सेकेंड सेमेस्टर की, एंड थ्योरी डेट शीट ऑफ मास्टर्स ऑफ साइंस MSc की भी आ चुकी है। तो ऐसे आप जितना स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको सारी डेट शीट्स अवेलेबल हो जाएंगी जो साइट पर उन्होंने डाली है। तो साइट पर जाइए, डेट शीट्स को देखिए।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। तो जैसे कि हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो न्यू है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वो आपको पता चल जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी जल्दी से नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं 30 अगस्त को। तो मैं चाहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम सबके अच्छे हों, तो जिनकी डेट शीट्स आ चुकी हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।